परस्ती का हंगामा शोर है, ज़हने इंसान में तकबीर का चोर है, बिजलियाँ भी हैं बाहें पसारे हुए, फिर का पर्व हवाओं का जोर है, तेरे बलिदान से युग का सूरज भर गया, अब तो कलियों का हंसना भी दुश्वार है। तो ये दुश्वार हो गया है, इस सरकार ने पूरे समाज को का जीना दुश्वार कर दिया है, खास तौर से महिलाओं के लिए। 33% महिला आरक्षण का ये मुद्दा है जो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, आधे अधूरे साबित किए हुए न्याय पर इसको न्याय नहीं माना जाएगा कि पूरी तरीके से महिलाओं को न्याय मिल गया है। मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लैंगिक न्याय में भी हर समाज, महिलाओं का जितना समाज है वो सब इसमें शामिल हो। पर ऐसा तो नहीं हुआ ना बिल में, देखिए। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि बिल में नहीं हुआ, उसके लिए धरना प्रदर्शन है, ये घेराव प्रदर्शन है। डेफिनेटली अगर समाज में हर एक तबके का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये कैसी सरकार है जो सबका विकास और सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, सिर्फ जुमलेबाजी की बात करती है। महिलाएं जंतर मंतर पहुंची हैं अपनी तीन मांगों को लेकर, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण और बढ़ती महंगाई, तीनों मुद्दों को लेकर के, क्योंकि आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर, देश का एक राज्य मध्य प्रदेश के रीवा में जिस तरीके से दो बहनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया, पिछले 10 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से जो महिला सुरक्षा की बात देश की प्राचीर से कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, वो दावा कितना खोखला साबित हुआ है ये हमने पिछले 10 सालों में लगातार देखा। भाजपा का मंत्री, भाजपा का नेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, MLA, कार्यकर्ता, सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। जिस तरीके से हमने देखा भूषण सरन सिंह देश के का गौरव जंतर मंत्र पर बैठ करके गुहार लगा रहा था, न्याय की गुहार लगा था कि न्याय नहीं मिला, आज उसी जंतर मंत्र पर जहाँ पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी बहनें यहाँ पर न्याय मांग रही थी, आज हम उन्हीं मांगों को लेकर के यहाँ पर सड़कों पर आंदोलित रहती हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। आज तीन मुद्दों को लेकर हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं सरकार से, सत्ता से, हम मांग करने यहाँ पर पहुंची हैं। क्या देख रहे हैं मेरे हाथ में अलते का निशान, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो ये हाथ का निशान लगाकर एक संकेत देते हैं। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म का सम्मान है, इसीलिए मैंने भी हाथ का निशान लगाकर शुभ संकेत देने की कोशिश की। महिलाएं यहाँ पर तीनों मांगों को लेकर पहुंची हैं। देखिए सबने लाल कुर्ता पहना है, हम सब बहनों ने लाल कुर्ता पहना है, क्रांति का प्रतीक है लाल कुर्ता। आज इस तरीके से महिला आरक्षण की अगर हम बात करें, 33% जो कि दोनों सदनों में पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन लागू नहीं होता, क्यों? आज हमारी बहनें, हम लोकसभा में लड़ना है, राज्यसभाओं के अंदर हमारी बहनें बोल रही हैं, उनको नॉमिनेट किया है, उसी तरीके से हमारी ये बहनें लोकसभा राज्यसभाओं में दोनों सदनों में जाना चाहती हैं, विधायक बनना चाहती हैं। हम 33% मांग रहे हैं जो हमें जो पास हो गया लेकिन लागू नहीं हो रहा। तो आज उन्हीं तीनों मांगों को लेकर बजट, तीसरी मांग हमारी जो बजट बढ़ता, जो जिस तरीके से बढ़ती महंगाई, महिलाओं के, इन तमाम महिलाओं के मुंह से नवाला छीनने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बजट के अंदर महिलाओं के हक में कुछ नहीं आया, सिर्फ दो मित्रों के लिए है और दो राज्यों के लिए है, हम जानते हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज, और सिर्फ दो मित्रों के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्गों के लिए कुछ नहीं है। सोना चांदी सस्ता क्या क्या महिलाओं के लिए? देखिए सोना चांदी, आप देखिए जिस तरीके से, देखिए सोना चांदी आप कह रहे कुछ की कटौती की आपने, जिन जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी वहाँ से कटौती कर दी गई। तो देखिए जाहिर है देश के अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर के ये महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ये कहें, अगर मैं ये कहूंगी कि महिलाएं ही इससे पीड़ित होती हैं, महिलाओं को ही इसकी मार होती है, तो शायद ये गलत होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं इसलिए प्रताड़ित होती हैं किसी भी बजट, किसी भी तरीके का जो ये मार पड़ती है सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ती है। मैम आप आरक्षण की तो बात कर रही है 33% की, लेकिन उसके बंटवारे की बात नहीं कर रहे, किस हिसाब से बात? देखिए ये हम तय कर लेंगे, आप फिक्र मत करिए, आप लागू करिए। कैसे तय करोगे आप? देखिए 33% है हर सेक्टर के अंदर, हमारी
प्रतिशत भागीदारी होनी चाहिए। कैसे तय करेंगे, क्या कैसे दूर दराज गाँव में महिला रहती है उसको कैसे? देखिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज किसने दिया? माननीय राजीव गांधी जी ने दिया। तो आप ये आप इस फिक्र इस चीज की करिए कि ये पास क्यों नहीं हो रहा, लागू क्यों नहीं हो रहा, पास हो गया लागू क्यों नहीं हो रहा, आप इसकी फिक्र कर। इसमें खामियां है ना, पिछली महिलाओं के लिए कोई खामी नहीं, खामियां होती तो पास नहीं होता, पास हो गया मतलब कोई खामी नहीं। सवाल तो खड़े हो गए। देखिए आप अगर हम ये कहेंगे खामियां हैं, दूर करिए खामियां, मांग करने आए दूर करिए खामियां। जो सामाजिक तौर से पिछड़ी है महिला उनको कैसे नेतृत्व में? ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जाए, हमारी मांग है। हम कहते हैं ओबीसी सभी महिलाओं को आप इसके अंदर क्यों नहीं शामिल करते? हम तो मांग करने आए, हमारे देखिए तमाम बैनरों पर हम कह रहे हैं ओबीसी महिलाओं को शामिल करा जाए। पिछड़ी आप अगर आप पिछड़े वर्ग की बात करते हैं हम कहते हैं आप शामिल करिए ना, बनाइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर नहीं बना सकते नहीं। देखिए ये जितनी बार भी ये संसद के अंदर आया किसी ना किसी वजह से, कई बार हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, पेश किया गया लेकिन किसी ना किसी वजह से ये विधेयक रुक गया, नहीं पास हो पाया। कई बार मेजोरिटी का इशू था, कहीं पर विपक्ष ने जिस तरीके से इसको पास नहीं करने दिया। 1996 की बात करें, 2009 की बात करें, 10 की बात करें, तमाम इन जो मैं बता रही हूँ इन तमाम सालों के अंदर जो है ये महिला विधेयक बिल पेश किया गया। महिलाएं खुश थी, महिलाएं नाच रही थी, नहीं नाच रही थी लेकिन लागू नहीं है ना। देखिए संसद में सिर्फ बीजेपी महिलाएं खुश होंगी, बीजेपी महिलाएं खुश हैं और उसके अलावा तो लागू ना करने के पीछे क्या मंशा है? देखिए जाहिर है सरकार, देखिए ये वो सरकार है, किसान विरोधी ये सरकार, महिला विरोधी ये सरकार, युवा विरोधी ये सरकार। तो देखिए महिला सुरक्षा बचा रहे नहीं, देखिए बेटी बचाने की बात ना करें क्योंकि बेटी बचाने का हमने जो जुमला है ये हमने धरातल पर देखा, ये फेल हो गया कि मोदी जी नारी जो हम नारी न्याय की हम मांग कर रहे हैं। देखिए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये संघर्ष ये आंदोलन ये तब तक न्याय का हक मिल लेता। सुरक्षाओं को लेकर, महिलाओं को सुरक्षाओं को लेकर भी मुद्दा है? बिल्कुल, हम महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जंतर मंतर पहुँची है, मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिया है, समय मांगा है, आधी आबादी यहाँ पर पहुँची है, मांग रहे समय, मांग रहे दीजिए ना, समय मिलने का समय दीजिए। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, बड़ा काम किया जी राष्ट्रपति, और उनको कितना उनको जगह जगह जाने से उनको रोक भी दिया जाता है। हम देखते हैं कि जब तमाम आपने देखा अयोध्या के अंदर जब इन्विटेशन दिए गए, हमारी फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं पहुंचे। देखिए उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली है, तभी हमारी महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया जाता है जमीन के अंदर, और महिला सुरक्षा के दावे तभी हम हमारी देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और फिर उसके बाद धरातल पर आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं। देखिए सरकार पर हम दबाव बनाएंगे, हमारी मांग है, आज हम मांग को लेकर आए, हम कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करें, नारेबाजी नहीं करें, आज हम मांग करने आए हैं, हमारी मांग पूरी नहीं होगी हर लोकसभा हर विधानसभा हर बूथों पर ये आंदोलन बड़ा होगा, ये विकराल रूप लेगा, हम इस आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे।